इस वक्त मैं हूँ अभी रामेश्वरम में। मैं आए और नारियल पानी ना पिए तो फिर क्या पिए। यहाँ पर खत्म होता है हमारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ अभी रामेश्वरम में और आज हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं रामेश्वरम और धनुषकोटी को, जो कि इंडिया का सबसे आखिरी सिटी हुआ करता था पहले किसी ज़माने में, जो कि फ्लड की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो चलिए आज रामेश्वरम टेम्पल और धनुषकोटी शहर को एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल हम लोग आए हुए हैं रामचरण पादुका के पास, जहाँ पर श्री राम जी के पादुका हैं। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पर श्री रामचरण पादुका के नाम से। चप्पल यहीं उतारना पड़ेगा, चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। पीछे खूब मस्त नज़ारा है, अगर आप देख सकते हैं कितना। टेम्पल के अंदर श्री राम जी के पैर के चिन्ह हैं, उसी का ये पूरा टेम्पल है और काफ़ी पुराना टेम्पल है ये। और ये देखिए रामेश्वरम आइलैंड कितना खूबसूरत है ये। इसके ऊपर में भी एक और मंदिर है, तो चलते हैं ऊपर भी देखते हैं क्या है। यहाँ से लगभग आपको पूरा पीछे का रामेश्वरम आइलैंड का ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा, जो काफ़ी खूबसूरत है। और अधिकतर एरिया देखिएगा रेगिस्तान टाइप लग रहा है, क्योंकि समुद्री एरिया होने की वजह से यहाँ पर उस टाइप पेड़ नहीं उग पाते। सिर्फ आपको नारियल के पेड़ ही देखने को मिलेंगे अधिकतर। और वो देखिए समुद्र का पानी कहाँ तक आ गया है। अभी चरण पादुका वाले टेम्पल से निकल रहे हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, नेक्स्ट टेम्पल की ओर। साउथ में आए और नारियल पानी ना पिए तो फिर क्या पिए। आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे दुकान हैं शॉपिंग के लिए और यहाँ पर आपको फ्रूट सलाद भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप फ्रूट सलाद के शौकीन हैं तो यहाँ पर ईजिली आपको प्रोवाइड हो जाएगा। श्री राम के चरण पादुका हो और वहाँ पर हनुमान ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है साक्षी हनुमान जी का टेम्पल है। अभी हम पहुँचे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन रामचंद्राकर मंगल द्वार के पास। अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम। काफी छोटा छोटा टेम्पल है यहाँ पर विजिट करने के लिए। अगर आपके पास पूरा एक दिन का टाइम है तो आप इस सारे टेम्पल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा धनुषकोटी के लिए निकल सकते हैं। देखिए मंदिर में एक अद्भुत चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं लक्ष्मण कुंड में। यहाँ दो कुंड है, एक राम कुंड भी है और एक लक्ष्मण कुंड भी है। राम सिया राम जय जय राम।
हनुमान जी की काफी बड़ी स्टैचू यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। नटराज की यहाँ पर मूर्ति है, आप पीछे देख सकते हैं, शिव भगवान की नृत्य करती हुई मूर्ति है यहाँ पर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धनुषकोटी के रास्ते पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे एक मंदिर है, ये है रावण के भाई विभीषण का। तो चलते हैं उस टेंपल के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं विभीषण के इस मंदिर को। यहाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह मिल रही है पैर हाथ के लिए। ये आपका हाथ पैर दर्द वगैरह होता है तो यहाँ पर आप दवाई ले सकते हैं। तेल जंगल का तेल काले वाली कई वाली मुट्ठ वाली मलंग काली कई काल वाली कुटी काल वाली वायु पला वाली गल के तेजा वाली वाला मारी रे पला मारन दे गारंटी क्या मारन दे गारंटी गारंटी सा पला मुर्गा जड़ी बूटी है। दवाई आप देख सकते हैं यहां मिल रहा है, ये आप यहां कॉल भी कर सकते हैं इसके नंबर पर। हर तरह की जड़ी बूटी आप पला वाली गल की देख रहे नुप्पी की लोकल नुप्पलो नाडु नुप्पलो बाप नुप्पलो छाती नुप्पलो ये कोरियर पंजास्तार कोरियर ఆయుర్వేదిక మందులు అన్ని వనమూలికలు ఆయుర్వేద షట్ మందులు అన్ని గ్యారంటీ అన్ని వనమూలికలు కొరియర్ కరా సకతే హై అగర్ ఆప్కో చాహియే తో యహాన్ పర్ నంబర్ దియా హువా హై ఇన్కా యే ఆప్ యహాన్ కాంటాక్ట్ కర్ సకతే హై। విశ్వన్ కా యే జో మందిర్ హై ఇస్కే అందర్ శ్రీ రామ్ భగవాన్ జీ హై తో శాయద్ ఐసా హై కి విశ్వన్ నే ఇస్ మందిర్ కో బసాయా థా। और ये मंदिर पूरे समुंदर के बीच में एक छोटा सा टापू टाइप है वहाँ पर बना हुआ है। समुंदर के इस एरिया में ऐसा माना जाता है कि जो पत्थर हैं अभी भी तैर रही हैं, उस जमाने की राम सेतु के जमाने के पत्थर हैं ये। और यहाँ पर अभी भी एक है ऐसा पत्थर जो कि तैरता हुआ है। साइंटिफिकली इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ पत्थर ऐसे भी पाए गए हैं जो पानी में तैरते हैं क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं जिसमें बबल्स में हवा भरा हुआ रहता है। बाकी अगर धार्मिक मान्यताओं से देखा जाए तो काफ़ी पवित्र जगह है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उस पत्थर को। यही है वो पत्थर वाइट कलर वाला। देश का सबसे आखिरी कोना यहाँ पर खत्म होता है हमारा देश और यहाँ से स्टार्ट होता है श्रीलंका। काफी ब्लॉगर यहाँ पहुंचे हुए हैं। बाकी है भाई जबरदस्त है यहाँ का एरिया।
पूरे रामेश्वरम में, रामेश्वरम टेम्पल और धनुषकोटी का ये लास्ट पॉइंट सबसे बेस्ट लगता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ फोटो क्लिक करते हैं हमारे देश के अशोक स्तंभ के पास। ये देखो यहाँ से है टर्निंग पॉइंट रोड का, ये रोड यहाँ से घूम के वापस चले जाता है क्योंकि यहाँ से आगे कुछ भी नहीं। तो सभी का फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे और सूरज हमारे जस्ट पीछे है जिसके वजह से चेहरा काला काला दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपन भी कुछ फोटोज क्लिक करवा लेते हैं समुंदर में। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय जवान।